हे गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी रेड कलर में है। तो आज हम लोग इस बाइक का फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और इस रिव्यू में हम लोग इस बाइक का प्राइस, माइलेज, स्पेसिफिकेशंस, ब्रेक्स, टायर, सस्पेंशन, साइलेंसर, हर एक कुछ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। मैं शोरूम का हर एक डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप शोरूम विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आके आप किसी भी बाइक को चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो इस बाइक का आपको वन रोड प्राइस 3,55,000 रुपीज़ रखा गया है हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में। इसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये जो आप सामने देख सकते हैं जो कि आपका रॉकर रेड कलर, इसके साथ ही साथ आपको वेंटूरा स्टॉर्म ब्लू कलर देखने को मिल जाएगा और इसमें जो तीसरा कलर मिलता है जो कि आपका डक्स डिलक्स कलर है और साथ ही साथ इसमें आपको ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें जो पाँचवा कलर जो मिलता है जो कि आपको मिस्टर क्लीन कलर होने वाला है। कलर के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कलर देखने को मिल जाएंगे। इस बाइक की की के साथ हम लोग इसका वॉकराउंड शुरू करें उससे पहले कि आप इसका साइलेंसर देख सकते हैं। इसमें आपको ट्विन साइलेंसर देखने को मिलेगा, एक आपको लेफ्ट साइड मिलेगा, एक आपको राइट साइड मिलेगा, जो कि आप पीछे से देख सकते हैं। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े साइलेंसर मिलते हैं। मैं आपको इसका आवाज़ भी सुनाने वाला हूँ जो कि इस बाइक का एक एडवांटेज होने वाला है। इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो फ्रंट में आपको हेलोजन लाइट सेटअप ही देखने को मिलेंगे। इसमें आपको LED का लाइट सेटअप कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। इसमें आपको यहाँ पे राउंड शेप में हेडलाइट सेटअप मिलेगा। इस जगह पे आपको क्रोम फिनिश दिया गया है और इंडिकेटर्स जो मिलते हैं वो भी आपको बल्ब में दिए गए हैं और इंडिकेटर का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, आपको स्क्वायर कट में दिया गया है। मैं आपको इग्निशन को एक बार ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्रंट से दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप और भी ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। मैं एक बार आपको बाइक स्टार्ट करके भी दिखाऊँ उससे पहले कि आप देख सकते हैं आपको हेलोजन लाइट सेटअप जलता हुआ दिख रहा होगा। फ्रंट में जो सस्पेंशन मिलता है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही दिया गया है, जो कि इसका ट्रेवल आपको 110 mm का इसका ट्रेवल दिया गया है और सस्पेंशन के ऊपर में आपको रबर फिनिश मिलता है जो कि सस्पेंशन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किए हुए रहता है और लीकेज से काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इस जगह पे देखें तो यहाँ पे आप अपना नंबर प्लेट लगा सकते हैं। इसका फ्रंट वाला मडगार्ड देख सकते हैं जो कि आपको फाइबर पार्ट्स में ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का फिनिश दिया गया है और नीचे की ओर देखें आपको टोटली मैट कलर दिया गया है। इस बाइक में आपको फ्रंट टायर 100 सेक्शन का मिलता है, ये आपको ट्यूब टायर मिलते हैं, इसमें आपको ट्यूबलेस नहीं मिलते हैं और दोनों ही टायर आपको सीएट कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के फ्रंट डिस्क की तरफ देखें तो इस बाइक में आपको फ्रंट डिस्क 320 mm का फ्रंट डिस्क दिया गया है। दोनों ही चक्के में आपको ABS मिल जाएंगे जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आपको बैब्रिक का ब्रेक कैलिपर्स यूज़ किया जाता है जो कि आप यहाँ से गोल्डन कलर का देख सकते हैं। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। इस बाइक के साइड प्रोफाइल की ओर देखें तो आप इसका साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है इस बाइक को राइड करने में। इसके टैंक की ओर देखें तो इसमें आपको 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा। टैंक आपको टोटली रेड कलर के मिलेंगे और यहाँ पे देखें तो व्हाइट कलर में आपको रॉयल इनफील्ड का ब्रांडिंग किया गया है और बीच में आप देखें तो यहाँ पे व्हाइट कलर का स्टिकर दिया गया है जो कि आपको टोटली स्टेट में मिलता है। ये आपका पेट्रोल नॉब दिया गया है और यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश यूज़ किया गया है। इस बाइक में आपको माइलेज अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर पर लीटर का आपको माइलेज आराम से देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो इस बाइक आपको टॉप स्पीड 169 किलोमीटर पर आवर का टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। इस बाइक के इंजन की ओर देखें तो आप इसका इंजन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंजन मिलता है और वो टोटली क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसका इंजन। इस बाइक का इंजन आपको 648 cc का मिलता है जो कि आपको दो सिलेंडर के साथ आता है, एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड दोनों के साथ मिल जाता है इसका इंजन जो कि आपको टोटली BS6 कंप्लाइंट के साथ मिल जाएगा। इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको पावर 47 bhp का पावर जनरेट करता है और 52 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला है। इसमें आपको 6 गियर का ट्रांसमिशन भी मिलने वाला है। इसमें आपको ट्विन स्पार्क्स देखने को मिलेगा, इस साइड का एक स्पार्क्स देख सकते हैं, आपको उस साइड जाएंगे तो उस साइड भी आपको स्पार्क्स दिखा दूंगा। इस साइड से देखें जो कि आपको ऑयल कूल्ड का यहाँ पर रेडिएटर दिया गया है। इसमें आपको सिंगल हॉर्न ही दिए गए हैं और इस बाइक में आपको सिंगल स्टैंड ही दिया गया है, इसमें आपको मिडिल स्टैंड नहीं देखने को मिलेगा। और इसके साइड पैनल की ओर देखें तो यहाँ पे भी आपको कॉन्टिनेंटल जीटी का आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा। ये आपका राइडर का फुटरेस्ट, ये आपका पिलियन का फुटरेस्ट मिलता है जो कि आपको रबर फिनिश के साथ ही दिया गया है। इसका आप एग्जॉस्ट देख सकते हैं जो कि आपको टोटली क्रोम फिनिश में मिलता है और काफ़ी ज़्यादा लंबा एग्जॉस्ट मिलने वाला है। इसके सीट की ओर देखें तो आप इसका सीट देख सकते हैं जो कि आपको सिंगल पीस सीट दिया गया है। सीट का कुशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है जिस वजह से आपको लॉन्ग राइड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसके रियर सेक्शन की ओर देखें तो यहाँ पे आपको सारी कार पहले से ही मिल जाएंगे और इस साइड से आप इसका रियर सेक्शन की ओर देखें जो कि आपको दोनों एग्जॉस्ट देखने में काफ़ी ज़्यादा सूटेबल लगता है और पीछे का लुक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देने वाला है। आपको हेलोजन में ही इसमें टेल लाइट्स देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में ही मिलेगा, बट यहाँ पे भी आप देखें तो क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है। ये आप देख सकते हैं सिंगल पीस आपको ग्रैब हैंडल्स दिया गया है। ये आप देखें तो मडगार्ड दिया गया है जो कि ये भी आपको फाइबर पार्ट्स में दिए गए हैं। ये आपका रिफ्लेक्टर। इस साइड से देखें तो इस बाइक के रियर में आपको 240 mm का रियर डिस्क दिया गया है और रियर में भी आपको ABS देखने को मिल जाएगा।
और इस बाइक में आपको रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है, जो कि आपको 88 mm का इसमें ट्रेवल देने वाला है। यहाँ पे देखें तो आपको गोल्डन कलर का फिनिश दिया गया है। इस बाइक का यह एडवांटेज है कि इस बाइक का इंजन आपको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मिलता है, आपको कहीं भी पावर और टॉर्क का कहीं भी आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा। बट इसका आपको एक डिसएडवांटेज भी मिलता है, जो कि इस बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा रखा गया है। इस बाइक का वेट आपको 198 kg का वेट रखा गया है, जो कि हर एक आदमी के लिए ये चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बाइक में आपको 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है, 793 mm का इसमें सीट हाइट देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से अगर आपका हाइट 5.6 inches है, तो ऑफकोर्स आप इस बाइक को काफ़ी ज़्यादा इजिली स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इजिली आप इसे राइड कर सकते हैं। इसके मीटर कंसोल की ओर देखें, जहाँ की आपको काफ़ी ज़्यादा कम फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके की आप देख सकते हैं, जो कि आपको वेब डिज़ाइन में इसमें की मिलता है। ये आपका इग्निशन का स्लॉट दिया गया है, इसको ऑन करते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं। ऑन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये आपको टैकोमीटर मिलता है, जो कि आपको एनालॉग में ही दिया गया है। नीचे की ओर देखें तो आपको छोटा सा पार्ट आपको डिजिटल में मिलता है, जहाँ की आपको फ्यूल गेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ओडोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से आप इससे ट्रिप 1 और ट्रिप 2 कर सकते हैं। और इधर आप देखें तो आपको काफ़ी कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं, और ये आपका RPM मीटर दिया गया है, और साथ साथ आपको रॉयल इनफील्ड का ब्रांडिंग, ये आपका इंजन मल फंक्शन लाइट, ये आपको लो बैटरी इंडिकेटर दिया गया, न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS वार्निंग लाइट और इंजन मल फंक्शन का इंडिकेशन दिया गया है। आप इसका हैंडल बार देख सकते हैं, जो कि आपको क्लिप ऑन हैंडल बार दिया गया है। एलो बीम ये आपका हाई बीम, और साथ साथ यहाँ पे आपको पासिंग दिया गया है। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न का स्विच, ये आपका हॉर्न का स्विच, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। इधर से देखें तो आपको इग्निशन ऑन ऑफ करने का स्विच, और यहाँ से आप इसे सेल्फ स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टार्ट करते हैं और इसका एग्जॉस्ट साउंड को सुनते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। वन टच में बाइक काफ़ी ज़्यादा इजीली स्टार्ट हो जाता है, और इसके रियर से मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता चल सकेगा इसका एग्जॉस्ट साउंड को। काफ़ी ज़्यादा बल्की साउंड प्रोड्यूस करता है, और काफ़ी ज़्यादा थ्रोटी रिस्पॉन्स है इस बाइक के इंजन से। आपको इस बाइक को चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड मोटरसाइकिल होने वाला है। तो मैंने कहा जी, इस बाइक के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन था वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताया होगा, जिस वजह से इस बाइक के रिलेटेड आपका हर एक कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका हर एक आंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देने वाला हूँ। और साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी मैं छोटे छोटे रील शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिस वजह से आप कोई भी बाइक को खरीदने में और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको किसी भी बाइक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।